डर लग रहा था, थोड़ा सा नर्वस था मैं इंडिया में, बट नाउ इन रोम कुछ भी नर्वस नहीं है और सब कुछ है कि हाँ कहीं से भी कहीं जा सकते हैं। तो एक एक बात ये है कि आपको ना जस्ट अपने आप को कितने अच्छे। तो यहाँ पे एक चर्च है, बहुत फेमस चर्च है, तो मैं चर्च भी जाऊंगा देखने। और ये देखिए बहुत फेमस है सेंट पीटर चर्च है, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे चर्च में आया हूँ। और इसके फोटोग्राफ बहुत अच्छे होते हैं, तो मैं कुछ फोटोग्राफ क्लिक करता हूँ। और म्यूजिक साथ में चल रहा है यहाँ पे, देखिए वाह अच्छे गाते हो आप, ठीक, सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं एक यहाँ से फोटोग्राफ लेता हूँ क्योंकि पास से मेरा वाइड लेंस एरिया है तो बहुत ज्यादा नहीं दिखा पाता है, इसलिए मैं यहाँ से फोटोग्राफ लेता हूँ। सेंट पीटर चर्च है, बहुत फेमस चर्च है यहाँ का रोम का, तो चलते हैं। This is St. Peter Church. Wow. Peter चर्च है ये, बहुत फेमस चर्च है और आपको मैं दिखाना चाहता हूँ मेरे अपने वीडियो के माध्यम से, ठीक है। अगर आप आए तो यहाँ पे पक्का घूमिएगा, नहीं तो आप मेरे वीडियो में पूरा देख सकते हैं जैसे जैसे मैं गया हूँ, ठीक है। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मैं पक्का रिप्लाई करूंगा। और आपको मेरी हेल्प जितना चाहिए, जितना मैं हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। चर्च का पूरे आसपास एरिया में पुलिस सिक्योरिटी भी है, सब कुछ है। आई थिंक इंटर साइड से है ये, देखिए पूरे एरिया। मैं कुछ यहाँ पे फोटोग्राफ अच्छे क्लिक करता हूँ। इतना बड़ा चर्च एरिया, कितने अच्छे से फैले हुए हैं पूरा। आई थिंक यहाँ पे शो होते हैं रात में, इवेंट में, तभी तो यहाँ पे चेयर इतने लगा के रखे गए हैं। कितने लोग आए हैं इन, वाव देखे, यहाँ पे पानी का भी ऐसा रखा गया है। सेंट पीटर बेसिलिका विल ओपन एट 12:30 PM। अच्छा 12:30, आई थिंक यहाँ पे 12:30 हो चुके हैं। नहीं देखी, इतने अच्छे स्टैचू बनाए गए हैं, ये बहुत प्यारे हैं बनाए गए हैं। मैं आपको पास दिखाता हूँ, सभी के एक एक एक्सप्रेशन बहुत अच्छे से बनाए गए हैं, ठीक है, सारे बहुत प्यारे हैं। और ये रोम का बिल्डिंग्स, चर्च का बिल्डिंग, सभी जगह पर रोमन एम्पायर का सब कुछ। ये अलेक्जेंडर फोर्थ पॉइंट मैक्स है, ये देखिए बहुत अच्छे से बनाया गया है, डिजाइन किया गया है, और जिसने बनाया है बहुत लाजवाब। क्या सोचा भी होगा, क्या कैसे सोच के बनाया होगा, बहुत कुछ सोचना पड़ता है, ठीक है, तो बहुत कुछ अच्छा बनाया है।
और मैं चलता हूँ नेक्स्ट स्टॉपेज क्योंकि बस फिर मुझे लेट है, पहुंचाएगी दूसरी जगह। तो ये रहा चर्च, सेंट पीटर्स चर्च। तो फिर मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट स्टॉपेज, दिस इज सिक्स था। अरे कितने अच्छे से बजा रहे हैं, वाह ग्रेट। तो अब मैं नेक्स्ट स्टॉपेज बस के लिए जा रहा हूँ क्योंकि फिर बस लेके और जगह जाना है। अभी यहाँ पे 2 बज के हैं, 3-4-5 घंटे ही, 3-4 घंटे ही हैं। बस का कुछ टूर ऐसा देखिए, गार्डन के बीच से जा रहे हैं, पूरे गार्डन। Thank you.
पनीर रैप. सो आई एम ईटिंग चिकन पनीर रैप एंड विथ कोक. और बहुत अच्छे से बनाए इन्होंने. दे आर इट्स वेरी टेस्टी आई थिंक. एंड इनके पास बहुत सारे वेराइटी हैं. पिज्ज़ा के भी है. सर कैन यू टेल मी विच वन इज इटालियन पिज्ज़ा? इटालियन पिज्ज़ा ऑल दिस. ओके दिस ऑल आर इटालियन पिज्ज़ा. सो टुमारो आई विल टेस्ट दिस इटालियन पिज्ज़ा and I will make sure that what is the taste. I can tell you the in my blog also, so you can keep connecting with me. And this is also chicken, grilled chicken I think. और बहुत अच्छा लग रहा है खाने में से. मैंने अभी खा के देखा और टेस्ट बहुत ज्यादा भी है कि अगर आप एक बार खाओगे तो आपका पेट भर जाएगा. रियली ऑसम है. रियली बहुत ज्यादा अच्छा.
डिनर का रैप इतना ज़्यादा था कि मैं पेट पूरा भर चुका है मेरा, तो अब मैं रूम पे जा रहा हूँ क्योंकि ऐसे इंडिया के टाइम के हिसाब से है, यहाँ पे 6 बज चुके हैं, इंडिया में 9 बज चुके हैं। ठीक है, इंडिया के टाइम में इसलिए एग्जैक्ट बताता हूँ क्योंकि मैंने उसको घड़ी पहन के रखा हूँ, उसको टाइम चेंज नहीं किया और फ़ोन में चेंज हो जाता टाइम, इसलिए मैं दोनों टाइम हमेशा स्लॉट में रखा हूँ कि कभी भूले ना। तो अब हॉस्टल में जाके आराम से सो जाना है थोड़ा देर, फिर उसके बाद देखते हैं उठ के फिर क्या करते हैं। ठीक है, मैं थक गया हूँ थोड़ा सा और अच्छा रहा टूर आज का, पूरा सिटी टूर में घूम लिया और पूरे बस से आराम से बैठ के देखा सब कुछ, घूमा बाहर भी गया देखा। ठीक है, तो अच्छा रहा। अब कल का क्या प्लान करता हूँ मैं देखता हूँ, कल के लिए डिसाइड करता हूँ। तो बहुत अच्छा है शहर रोम और इटली में ही है रोम है। ठीक है, तो अच्छा लगा मुझे घूम के, सब कुछ देख के अच्छा लगा। तो कल है 15। ठीक है, तो कल देखते हैं डिसाइड करते हैं कहाँ जाते हैं क्या। बताते तो यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा होता है, आपको कभी भी गर्मी नहीं लगेंगे, ऐसा लगा कि आप ऑल टाइम एसी के अंदर हो, एसी में चल रहा है ऐसा। तो मुझे मजा आया घूमने में भी और अच्छा था मौसम, और अकेले घूमने का अलग ही मजा ही अलग होता है, ना कोई टेंशन का, ना उठने का टेंशन। अब जब मन जहाँ जाना चाहते हो जाओ, घूमो और मज़े करो। ठीक है, तो मैं आराम से उठा, आराम से 10 बजे चेकआउट किया टाइम, फिर दूसरे रूम में गया, अभी गया हूँ मैं दूसरे रूम में गया हूँ, वहाँ पे सामान रखा, फिर से घूमने निकल गया, फिर अब आ गया टाइम पे। ठीक है, मीन्स इंडिया के टाइम, मीन्स यहाँ के टाइम पे 6 बज रहा है और ठीक है, फिर उसके बाद रूम पे जाऊँगा तो रेस्ट करूँगा, सोऊँगा। तो अच्छे हैं, इस तरह से घूमना चाहिए। फिर कल के डिसाइड करते हैं कल कहाँ कहाँ घूमना है, रात में सर्च करूँगा कि यहाँ पे कहाँ कहाँ घूम सकता हूँ और जाके कैसे घूम सकता हूँ, सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने हैं। ठीक है, और येलो लाइन हो चुके थे इसलिए मैं जल्दी थोड़ा क्रॉस किया ये। तो अच्छा रहा, ऐसे ही घूमना चाहिए, करना चाहिए सब कुछ। और इनकी बिल्डिंग जो आर्किटेक्चर है बहुत ज़्यादा अच्छा है। नंबर है F105। ठीक है, और मैं इधर आ गया हूँ, ये मेरा सेकंड रूम है, 103, 107, 104 and 105. This is my room. No food, no alcohol, no smoking. I don't do anything.